जंगल टिकले तर पर्यावरण टिकेल, पाणी वाढेल हा विचार मनात ठेवून प्रथमच 100% शेणाच्या गोवऱ्यापासून होळी करून लाकूड वाचवून समाजाला एक सुंदर संदेश देणारे होळी आमगावमध्ये शहराच्या मध्यवर्ती असलेल्या महात्मा गांधी चौकात पर्यावरणपूरक अशी 5100 शेणाच्या कांड्या गोवऱ्याची होळी दहनाचे आयोजन करण्यात आले. रात्री 12:50 याचे विधिवत पूजन जप करून होळी दहन करण्यात आली. यात जंगल वाचवा, झाडे वाचवा हा संदेश देण्यात आला, जेणेकरून परिसरातील जंगले आणि झाडांचे संवर्धन होणार असा निर्धार करण्यात आला. यावेळी अजय खेतान मित्र परिवारचे पदाधिकारी सदस्य आणि नागरिक उपस्थित होते. आज होलिका दहन के अवसर के ऊपर अजय खेतान मित्र परिवार द्वारा 5100 कंडे की होली दहन का आयोजन किया गया है. ये आयोजन इसलिए किया गया है कंडे की कि लकड़ी का उपयोग न करते हुए प्योर ऑर्गेनिक होली जलाई जाए, ऐसा हमारे मित्र परिवार ने एक कल्पना की. तो इसी को एक संकल्पना देते हुए 5100 कंडे की होली जलाने का एक आयोजन किया गया है और आमगांव के सभी वरिष्ठ लोगों का हमारे को सहयोग प्राप्त हो रहा है और आगे भी ऐसा सहयोग मिलता रहे इसी कामना करते हैं. आमगांव की ओर से, किसान मित्र परिवार की ओर से, आज हम आमगांव शहर के बीच गांधी चौक पर और सभी नगरवासियों की ओर से हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं कि आमगांव नगर जो है वो आमगांव शहर एक बहुत बड़ा यहाँ पर आम है और है झूठे रहता था, वनस्पति का बहुत बड़ा एक क्षेत्र कहलाता था जहाँ का पर्यावरण बहुत अच्छा रहता था, लेकिन किसी कारणवश यहाँ के पर्यावरण को बहुत क्षति हुई और यहाँ के वृक्ष काट दिए गए. लेकिन हमारे मित्र परिवारों की ओर से, सभी हमारे लोगों की ओर से, हमने प्रकृति को सबसे ज़्यादा आह्वान किया है. प्रकृति के लिए हम सब साथ जुड़े हैं और प्रकृति जिंदा रहना चाहिए, वनस्पति जिंदा रहना चाहिए. तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में आज होली का पर्व है, 75वां होली का पर्व है देश की आज़ादी के बाद का. इस अवसर पर हम सब लोग आज हम जो होली दहन करने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का उपयोग, जंगल के द्वारा काटी गई लकड़ी का उपयोग न करते हुए कंडे से, जो कि हमारे को ऑर्गेनिक कहलाती है, जिससे पर्यावरण के अंदर में प्रदूषण नहीं होता और वायुमंडल के अंदर में उसका एक अच्छा संदेश जाता है और ऑस्मो जो है उसके अंदर में भी ऑक्सीजन की ओर की भरपूर मात्रा होती है. इस दृष्टि से हम आमगांव की ओर से आज जो कंडे होली का दहन कंडे के द्वारा करेंगे,